Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. इंसान से इंसान की यादें तो जुड़ी होती हैं, पर कुछ यादें हमारी जगहों के साथ और चीजों के साथ भी जुड़ी होती हैं। तो मेरी यादें भी कुछ इसी तरह जुड़ी हुई हैं जयपुर शहर के साथ। भाई मैंने अपनी जिंदगी के यहाँ करीब करीब 2.5 साल निकाले हैं और वो मेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था। तो अब जैसे ही मैं दिल्ली से जयपुर आ रही थी, वो जगहें, वो गलियां जहां मैं घूमी हूँ, जहां मैं सब्जी लेने जाती थी, बिरला टेम्पल, बहुत सारी ऐसी जगहें मुझे दिखाई दी, तो मुझे वही टाइम याद आ गया। भाई मैं यहाँ थी 2008 से लेके 2011 तक, और उसके बाद मेरे घर वालों ने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि शादी कर ले, हमें कुछ हो गया तो बाद में कौन देखेगा ये एंड ऑल। सो फाइनली मैंने अपने बैग पैक किया और वापस हो गई दिल्ली शिफ्ट। तो आज मैं आई हूँ जयपुर, और यहाँ जितना भी पॉसिबल होगा, मेरे पास एक दिन है या दो दिन है अभी मैंने डिसाइड नहीं किया मैं कितना यहाँ रुकने वाली हूँ, जितना टाइम भी मैं यहाँ रुकूंगी और जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी जगहों को दिखाने के लिए, मैं उतना आपको दिखाऊंगी। सो फिलहाल जस्ट अभी टाइम, एक सेकेंड मैं टाइम दिखा दूँ, 5:12 हो गए हैं और करीब मैं दिल्ली से निकली थी 11 बजे के आसपास, और यहाँ पहुँचने में लगे हैं मुझे बाय कार 6 घंटे। और जैसे ही मैं होटल में एंटर किया, रूम में सामान रखा, बस मैंने मुंह वॉश किया और हल्की सी लिपस्टिक और काजल लगाया, और अब मैं चल रही हूँ आपको लेके हवा महल। वैसे तो मैं चाहती थी एक कप कॉफ़ी पीना, बट मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव है इसलिए मैं नहीं रुक सकती यहाँ, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा और मैं जलमहल आपको नहीं दिखाऊंगी और मेरी एक डेस्टिनेशन रह जाएगी। सो चलो यार, वीडियो एंड तक देखनी है। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. So guys, एक्चुअली ना एक बात और है कमाल की, यहाँ ना ठंड बहुत कम है और मैं इतना सारा सामान लेके आई हूँ ना, तो सारे स्वेटर जैकेट वैकेट डाल लिया, दिन में तो मैंने मेरे को हल्का सा एक टॉप डाल के रखा था और अब शाम हो गया, बस ये हल्का सा एक वार्म सा टॉप डाला है। सो चलो Thank you.
सो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ जल महल, और वो है मेरे उस साइड में जल महल, और कार हमने पार्क कर दी है, तो चलते हैं। गाइस मैं फाइनली यहाँ पहुँच तो गई हूँ, बट थोड़ा अंधेरा हो गया, बट कोई बात नहीं है, हम शूट कर लेंगे। और अगर आपको छोटा मोटा सामान खरीदना है वो भी यहाँ मिल जाएगा आपको, जैसे यहाँ पीछे ना राजस्थानी जूतियाँ दिखाई दे रही हैं, और इस तरफ राजस्थानी घोड़े हैं, और एयररिंग्स भी हैं, चश्मे भी हैं, बच्चों के खेलने वाले छोटे टॉयज़ भी मिल जाएंगे आपको ईजिली। और एक छोटा सा बच्चा आ गया, और यहाँ पर ना वो बच्चों की जो गाड़ी बाइकें चलती हैं जो 50-50 रुपीज़ में दिल्ली में चलती है, और वहाँ पर ना पीछे कैमल राइड भी दिखाई दे रही है। सो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ कि कैमल राइड कहाँ पर है, वो खड़ा कैमल, और अगर पॉसिबल होगा तो हम कैमल राइड के लिए भी जाएंगे, बाकी देखते हैं, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। और चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। सो कम वाओ, इतनी ठंड नहीं लग रही है यहाँ एक्चुअली। मैंने हल्का ही पहना है, बट दिल्ली के कंपैरिजन मुझे ठंड यहाँ कम दिखाई दी है। और ये बच्चों के लिए गाड़ियाँ, अगर बच्चे आपके साथ आते हैं तो इन गाड़ियों पर कितने रुपए हैं राइडिंग? बच्चों का 100 का है, बड़े भी कर सकते हैं क्या? बच्चों का 100 रुपीज़ है और बड़े नहीं कर सकते। सो चलते हैं और आगे की तरफ। बट ये ना एक्चुअली ना यहाँ काफ़ी रौनक हो रखी है, तो यहाँ पे ना मुझे एग्जैक्टली वो वाली फीलिंग आ रही है, जैसे जो बीच पे फीलिंग आती है ना वो वाली सेम फीलिंग आ रखी है। लोग चल रहे हैं आराम से, मस्त हैं, शॉप्स वाले बैठे हैं, खाने पीने के आइटम्स हैं, इधर राइट में जल महल है। सो चलो आगे। सकते हो यहाँ पर राजस्थानी ड्रेस। भैया कितने रुपए चार्ज है फोटो का? 100 रुपीज़ का। अच्छा, दोनों। और ये क्या है, ज्वेलरी? ज्वेलरी लगाई जाती है। अच्छा, तो ज्वेलरी लगाई जाती है। बच्चों का भी होता है? बच्चों का भी होता है? बिल्कुल सबका। अच्छा, बच्चों का और बड़ों का दोनों का है, और 100 रुपीज़ चार्जेस है। अगर आपको खिंचवानी है, आप बार्गेनिंग करोगे तो वो भी यहाँ हो जाएगी। और चलते हैं आगे। गाइज मैंने जल महल के बाहर जो फुटपाथ मार्केट लगती है वो मैंने आपको दिखा दी, अभी और भी दिखा दूंगी। उससे पहले मैंने सोचा बात करते हैं कुछ हिस्ट्री की। जल महल का निर्माण करीब 200 साल पहले जयपुर के शासक ने 1799 में कराया था। जल महल के निर्माण के पीछे एक महत्वपूर्ण रीज़न था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, वो क्या था? वो ये था कि 15वीं शताब्दी में यहाँ पानी का पड़ गया था अकाल, और तब जयपुर के शासन ने यहाँ एक बांध बनाने का निर्णय किया ताकि आमेर और आमगढ़ के पहाड़ों से आने वाले पानी को इकट्ठा किया जा सके। और पानी के अंदर ही पानी के निकास के लिए 5 अंदरूनी दरवाजे बनाए गए। और मेरे पीछे जो इतना सुंदर सा एक फ्लोर का जल महल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एक्चुअली एक फ्लोर का नहीं है, 4 मंजिल पानी के नीचे है, ताकि महल की एक मंजिल को बहुत अच्छे से ठंडा रखा जा सके। अब क्या हुआ, जब ये महासागर बन गया तो राजा महाराजाओं को ये जगह बहुत पसंद आने लगी, और वो अक्सर निकल जाते थे अपनी फैमिली के साथ नाव पर यहाँ सैर करने के लिए। और फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ पर एक महल बना दिया जाए ताकि अश्वमेध यज्ञ होने के बाद वो
अपने और अपने परिवार के साथ इस महासागर झील में स्नान कर सके, साथ में पंडितों के भी। तो ये है मेरे पीछे जल महल। थोड़ा सा अंधेरा हो गया, मैं इस चीज़ के लिए अपोलोजाइज करती हूँ। और क्या करूँ, कोशिश तो बहुत की, पर दिल्ली से निकलते निकलते जयपुर तक पहुँचते हुए मुझे ये टाइम हो गया। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6:15 का टाइम हुआ है, पर वही बात है ना, जैसे ही सूरज ढलेगा वैसे ही दिन छिप जाएगा और अंधेरा हो जाएगा। साफ साफ लिखा है झील में नहाना, तारबंदी को पार ना करें, मछलियों को खाना ना डालें। और ये इस तरह का ना यहाँ पर एक रेलिंग लगा दी है। पहले ये रेलिंग नहीं हुआ करती थी जब मैं आई थी, और काफ़ी गंदा था, बट अभी मुझे काफ़ी मेंटेन नज़र आ रहा है और पानी में से उतनी स्मेल भी नहीं आ रही है। सो ये एक नज़ारा है जल महल का। मैंने कॉफ़ी भी नहीं पी, सो अब मैं भेलपूरी खा के अपना गुजारा चलाने वाली हूँ। ये लो भैया। वैसे तो जल महल जो देखा जाए रोड पर ही है, पर इसके भी अपने टाइमिंग है ताकि रोड पर जाम ना लगे, क्योंकि रोड साइड पर ही लोग गाड़ी पार्क कर देते हैं और काफ़ी भीड़ हो जाती है। सो अब 7:45 यहाँ की लाइट्स ऑफ कर दी है, लोगों ने अपना सामान पैक कर लिया है घर जाने के लिए। और अगर आपको भी जल महल देखना है तो बेस्ट टाइमिंग है, वैसे मैं सजेस्ट करूँगी इवनिंग के हैं, तो आप इवनिंग पर वो टाइमिंग पर आना तब तक यहाँ लाइट्स बंद ना हो, जैसे मेरे साथ हुआ है। सो गाइस, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया जल महल घूम कर, क्योंकि मैं यहाँ बहुत साल बाद आई हूँ, करीब करीब 12-13 साल बाद मैं वापस उसी जगह आई हूँ। तो मैंने अपनी सारी पुरानी यादों को यहाँ ताज़ा कर लिया है कि किस तरह हम फ्रेंड्स यहाँ आया करते थे और घूमा करते थे और इन्जॉय किया करते थे। बहुत क्वालिटी ऑफ टाइम हमने यहाँ स्पेंड किया है। और अब बात करते हैं वीडियो को एंड करने की। सो अगर पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि कैसे लगी, कि आपने जल महल देखा है। अगर जल महल नहीं देखा ना जयपुर में तो कुछ भी नहीं देखा आपने। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो मैं मिलती हूँ आपको राजस्थान के जयपुर की दूसरी वीडियो के साथ। सो बाय बाय।